रमजान का पवित्र महीना पूरा होने पर आज ईद उल फितर मनाया जा रहा है। ईद के मौके पर शहर की मस्जिद में नमाज अदा करने वालों की भारी भीड़ उमड़ी। नमाजियों ने ईद के मौके पर नमाज अदा की और एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद दिया। इसके साथ ही ईदगाह के इमाम हाजी एनुअल हक कादरी ने खास दुआ की। वहीं अंजुमन कमेटी अध्यक्ष ने कहा कि इन दिनों रामनवमी सिंधी समाज का चैंड्रीडस्ट और रमजान ईद उल फितर एक साथ मनाया जा रहा है। यह हमारी गंगा जमुना तहजीब है। ईद की दुगाना नमाज अदा की गई। अल्लाह इस ईद की दुगाना की बरकत से हमारे बस्ती, हमारे शहर, हमारे मुल्क में अमन सलामती कायम कायम रखे। आज सुबह 8:15 बजे ईदगाह में ईद की नमाज अदा हुई। पूरा माह लोगों ने रोज़ा रखा और बहुत ही खुशी खुशी आके हाफिज़ साहब के पीछे खड़े होकर हम लोगों ने नमाज अदा की। और आज हम बहुत फख्र के साथ कहते हैं कि हमारे देश में रामनवमी भी हो रही है, चेटी चंड भी हो रहा है, सब त्यौहार एक साथ हम देशवासी मनाते हैं। उस सब की मुबारकबाद हमारे पूरे मुस्लिम समाज की तरफ से सब समुदाय के लोगों को हम ये देते हैं। और ये हमारे हिंदुस्तान की एक अच्छी सच्ची तस्वीर है, जिसका और हम मालिक से ये दुआ करते हैं कि हमारे मुल्क को हमेशा खुशहाल रखे, एक रखे और हम लोग यूं ही इस तरह मिलजुल कर त्यौहार मनाते रहें। अल्लाह के करम से आज बहुत ही शुभ दिन है और ईद हम सबको त्याग, पवित्रता और ईमानदारी की शिक्षा देता है। जो नमाज अदा की गई उसमें इतने निर्विचारता, इतना आनंद आया और पूरे मुल्क की खुशामद की और शांति की मांग की गई और सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद हो। प्रशासन ने पूरी व्यवस्थाएं की हुई हैं, सड़क, पानी और सफाई की व्यवस्था की गई है। हर जगह मजिस्ट्रेट और पुलिस के अधिकारी हमारे तैनात हैं और आज का दिन बहुत शुभ रहे, हम सब तरक्की के साथ आगे बढ़ते रहें। ईद के त्यौहार को लेकर जो है सभी मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारकबाद। ईद के त्यौहार के मौके पर ईदगाह एवं सभी मस्जिदों में पुलिस बल लगाया गया था, सुरक्षा व्यवस्था, यातायात व्यवस्था की गई थी और अभी ईदगाह में नमाज अदा हो चुकी है। खैरियत।